हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 को देखा था। आज अब उसको आगे बढ़ाते हैं। आज देखेंगे कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमारे काम के हैं, जो हमें याद रखने हैं। ओके, हमेशा अपने को याद होने चाहिए कुछ फॉर्मूले जो क्वेश्चन करने के काम आएंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, है ना। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में साइन 2x का। ओके, या साइन 2θ भी हो सकता है। उसका फॉर्मूला है 2 sin x cos x। मतलब यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे 1 आता है, 1 एंगल। पर यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x और x आ गया। अगर यहाँ पे ही साइन x हो, केवल 2x की जगह साइन x हो, तो उसको लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला बेटा cos 2x का, कि cos 2x को किस तरीके से लिखना। ओके, cos 2x का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, दोनों को दोनों याद रखना है। एक तो 2 cos² x - 1 हो सकता है, और एक हो सकता है 1 - 2 sin² x। ओके, दोनों फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें यूज़ करने हैं। वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ हाफ 1 तो यहाँ हाफ, या हाफ तो यहाँ 1/4। ओके, कैसे, देखो कि जैसे आपके पास में लिखा हुआ है cos x है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos² x/2 - 1, और दूसरा वाला हो जाएगा 1 - 2 sin² x/2। थीटा होगा तो थीटा लगा देंगे। ओके, देखो साइन 2x हो गया, cos 2x हो गया, तो tan 2x भी होगा। tan 2x का फॉर्मूला है आपके पास में 2 tan x / 1 - tan² x। सेम वही प्रोसीजर, 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो हाफ हो जाएगा, हाफ है तो 1/4 हो जाएगा। जैसे अभी मैं हाफ वाला तो लिख रहा हूँ, tan x = 2 tan x/2 - tan² x/2। ये आपके पास में लिख दिया। तो हमने देखा साइन 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है, और tan 2x का फॉर्मूला है। ओके, ये सारे फॉर्मूले आपके पास में, साइन 2x, cos 2x और tan 2x का। ओके, अब देखो इस जो साइन 2x के फॉर्मूले, cos 2x का फॉर्मूला और tan 2x का फॉर्मूला आपके पास में जो लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे मैं चौथा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चौथा फॉर्मूला है तो साइन 2x का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये साइन 2x का फॉर्मूला है tan की फॉर्म में। ये साइन 2x का फॉर्मूला साइन और cos की फॉर्म में, ये साइन 2x का फॉर्मूला है tan की फॉर्म में। तो tan की फॉर्म में क्या कह सकते हैं, tan की फॉर्म में ये कहते हैं 2 tan x / 1 + tan² x। देखो बेटा, केवल इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे होता है माइनस 2 tan x / 1 + tan² x है, यहाँ पे माइनस होता है 2 tan x आपके पास में, ये / tan² x। तो अपने पास में ये होता है यहाँ पे प्लस, और उसमें होता है डिनोमिनेटर के अंदर माइनस। सेम अगर साइन x है तो, साइन x है तो बिल्कुल, हम साइन x है तो इसको 2 tan x / 2 / 1 + tan² x / 2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिफ्थ, cos 2x का भी वापस एक नया फॉर्मूला है, tan की फॉर्म में है, 1 - tan² x / 1 + tan² x। ओके, अब इसमें भी cos x हो तो 1 - tan² x / 2 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 1 + tan² x / 2। ओके, तो अपने पास में ये cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला, और tan 2x का फॉर्मूला तो tan में ही है, sin 2x का sin में, cos 2x का cos। तो ये सेकेंड एंगल और फर्स्ट एंगल के फॉर्मूले हैं, कि एंगल जब फर्स्ट हो या सेकेंड हो, मतलब ट्वाइस हो या वन हो, तब उस चीज़ से आपके पास से फॉर्मूले, ये जो है जो हमें ये फॉर्मूले लगाने हैं आपके पास में, ये डबल, सिंगल और डबल के फॉर्मूले हो गए। अब अपने पास में आते हैं ट्रिपल के फॉर्मूले, कि ट्रिपल का फॉर्मूला कैसा होगा। जैसे आपको लिख के दे दिया कि साइन 3x क्या है, साइन 3x का फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 sin x - 4 sin³x। 3 sin x - 4 sin³x, जो भी x होगा, ओके, वो अपने पास में एज इट इज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x/2 होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कितना लिखेगा, x/2 लिखेंगे। ओके, ये साइन 3x का हो गया। 7 तो cos 3x का भी होगा। cos 3x का फॉर्मूला सिंपल है, आप पहले लिखेंगे 4 cos³x - 3 cos x, दैट्स फॉर्मूला ऑफ cos 3x। तो जब sin 3x का हो गया, cos 3x का हो गया, तो tan 3x का भी होगा, बिल्कुल होगा tan 3x का। लेकिन tan 3x के फॉर्मूले को अपने पास में क्या करेंगे, हम tan 3x का फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan 3x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 8 है tan 3x का फॉर्मूला। tan 3x ये होता है बेटा 3 tan x
माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास में थ्री टेन एक्स का फॉर्मूला होता है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला है। आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास में ये कॉट थ्री एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इधर जितने भी फॉर्मूला है सबको रिवर्स करोगे तो उनके जो रेसिप्रोकल्स वैल्यू है, कॉस टू एक्स है, साइन टू एक्स है, उन सब के ये आपके पास में फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये आपके पास में थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में, कि टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला कैसा होगा और किस तरीके से आपके पास में इसको फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं। तो हमने देखा कुछ फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले कहेंगे कि इस फॉर्मूले को अपने पास में यूज़ करने पड़ेंगे, जो सिंगल एंगल और डबल एंगल के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं। ओके, देखते हैं अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूले और है कुछ, जो उनको भी अपने पास में देख लेते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूले और क्या कहते हैं अपने पास में। टेन थ्री एक्स का देख लिया अपने पास में, देखेंगे अब क्या करना है। अब अपने पास में देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास में वैल्यू है जो अपने को याद रखनी है, क्या कुछ फॉर्मूला है कह सकते हैं, फॉर्मूला जो अपने को याद रखने हैं। यहाँ तक तो क्या है कि डबल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले हो जाते हैं, और इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले वो थोड़े से अपन चेंज कर देते हैं कैसे। देखो तो अपने पास क्वेश्चन नाइन का फॉर्मूला जो है कि आपके पास में बेटा अगर साइन ए प्लस बी है या एक्स प्लस वाई है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, एक्स वाई हो तो आप एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, फॉर्मूला नंबर टेन। तो ऐसा कॉस में भी होगा, बिल्कुल होगा कॉस में, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना जाना है तो आपके पास एक कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, इसमें प्लस होता है तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ऐसा टेन में भी होगा, हाँ बिल्कुल टेन में भी होगा ऐसा, अभी टेन में क्यों नहीं होगा। तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, प्लस होगा तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, ये ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और अपने पास में सबके डबल एंगल वाले फॉर्मूले, सबके सिंगल एंगल फॉर्मूले और सबके ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री है तो बेटा फॉर्मूले के बेसिस पे, और फॉर्मूले नहीं आएंगे तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और वो तब से आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो अपने पास में कुछ डबल एंगल और कुछ ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले जो हमारे पास में यहाँ पे है तो इसका यूज़ करना है, और हमारे पास में इसकी वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू कितनी होगी, कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। देखते अपने इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, कि आपके पास में ये वैल्यू जो है आपके पास में वो कैसी होगी, किस तरीके से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें से। देखो बेटा है ना, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें से फॉर्मूले कैसे कैसे लगते हैं, है ना, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले को, है ना। तो हमने एक एक्सरसाइज फिफ्थ चैप्टर के अंदर आपके पास में एक कहीं पे 10-15 डिग्री आया था, है ना, कि 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 10-15 डिग्री कितना होगा, है ना। तो वो 10 जो 15 डिग्री आया है बेटा, वो 10-15 डिग्री की वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो नहीं थी, 10-15 डिग्री की वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास में 10-15 डिग्री की वैल्यू नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो हम देखो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10-15 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 10-15 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, सॉल्व करके देख लो आपके पास में 15 डिग्री आ रहा है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला आपका बन गया है टेन ए माइनस बी का, और जो फॉर्मूला हमने मान लिख रखा है टेन ए माइनस बी का, तो सबसे पहले हमने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, वन प्लस टेन ए टेन बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगेंगे, टेन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री टेन 30 डिग्री अपॉन वन प्लस टेन 45 डिग्री और टेन 30 डिग्री। ओके, टेन 45 और 30 की वैल्यू तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बताएं, टेन 45 वन माइनस टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस टेन 45 वन इंटू वन बाय रूट थ्री। आपने रूट थ्री एलसीएम ले लिया तो रूट थ्री माइनस वन आ गया, और अपॉन में रूट थ्री एलसीएम ले लिया तो रूट थ्री प्लस वन आ गया, इसका एलसीएम रूट थ्री था, इसका एलसीएम भी रूट थ्री था, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास में ये बची है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन।
ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास में बेटा टेन 15 डिग्री की। ओके अब आप इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई, रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आया रेशनलाइजेशन करने से, रेशनलाइजेशन करने से आपके पास में ऊपर तो आ गया रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हो आप, थ्री प्लस वन। आपके पास में देखो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और आपके पास में कितना हो जाएगा माइनस का है तो आपके पास में हो जाएगा माइनस का टू रूट थ्री। भाई देखो ना रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था आपका रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री, तो थ्री प्लस वन माइनस का टू रूट थ्री, ये जो अपन ने लिखा है। डिनोमिनेटर के अंदर कितना, रूट थ्री प्लस वन का, आपके पास में डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो रूट थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस वन कितना बचेगा टू, ऊपर से टू कॉमन, तो कितना बचा, ये बचा आपके पास में फोर माइनस टू रूट थ्री बाई टू, टू कॉमन ले लिया और कॉमन लेके काट देंगे तो अपने पास में बचेगा टू माइनस का रूट थ्री, जो आपके पास में किसकी वैल्यू है, टू माइनस का रूट थ्री किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, कितने की, टेन फिफ्टीन की। तो बेटा इस तरीके से अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो हमें पता नहीं है तो हम इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, और फॉर्मूले यूज़ करने के बाद हमें पता चलेगा कि आपके पास में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी वैल्यू है, कैसे निकालनी है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना फॉर्मूले के। बार बार कह रहा हूँ बेटा फॉर्मूले का आना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और जब आपको फॉर्मूला आएगा तभी आपके पास में ये काम हो पाएगा और आगे की एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। और फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी कि आपके पास में किस तरीके से फॉर्मूले है। ओके तो कुछ फॉर्मूलेज और है जो अपन देखेंगे, जिसको अपने पास में अपन कहते हैं कि आपके पास में सी प्लस डी के फॉर्मूले कह सकते हैं उसको, कि सी प्लस डी के फॉर्मूले क्या होंगे, या ए प्लस बी के फॉर्मूले क्या होंगे आपके पास में, कि साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले क्या है, ऐसे कुछ फॉर्मूले जो हमारे पास में अपने को देखने हैं। देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर क्या होता था कि ब्रैकेट के अंदर साइन ए साइन बी है, कॉस ए और कॉस बी है। अब कैसे फॉर्मूले, देखो हमारे पास में नेक्स्ट जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो कितना था, देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले, बहुत काम आएंगे, ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत काम आएंगे आपके पास में ये साइन ए प्लस साइन बी। अभी अपन ने लिखा था जो ब्रैकेट के अंदर था, अभी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट से बाहर है। ओके ब्रैकेट से बाहर है आपके पास में फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला लिखा साइन ए प्लस बी का। ओके अब आपके पास में क्या, अगर माइनस हो तो माइनस नहीं लगाना, आप देखो माइनस हो तो क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यही खास बात है इनकी। अभी तक अपन ने देखा था कि प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, या प्लस हो तो माइनस कर दो, या प्लस हो तो प्लस कर दो। अब साइन ए माइनस साइन बी आ गया तो क्या हो जाएगा कि टू कॉस ए प्लस बी बाई टू तो बेटा आगे आ जाएगा और साइन ए माइनस बी बाई टू पीछे चला जाएगा, ये चला गया टू कॉस ए प्लस बी बाई टू आगे आ गया और साइन ए माइनस बी बाई टू पीछे चला गया, तो फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन बी का। अब देखो कॉस में चलते अपन, कॉस में कि कॉस ए प्लस कॉस बी कितना, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, और यहां पे भी कॉस आता है कॉस ए माइनस बी बाई टू। ओके और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला माइनस ऑफ टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ओके दोनों साइन आते हैं पर आगे माइनस लग जाता है, और साइन आपके पास में ए माइनस बी बाई टू। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको ए प्लस बी के फॉर्मूले कहो, सी प्लस डी के फॉर्मूले कहो, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के बगैर अपन कुछ नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो हमारे बहुत सा काम है जो रुक जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, टेन ए माइनस टेन बी और टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे अपने नहीं है, इसलिए अपने को जरूरत नहीं है उसकी। ओके तो ये जो फॉर्मूले है जो हमें पास में ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से अपन अपने पास में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि कुछ नए फॉर्मूले हैं जो अपने पास में अपन इनसे डिराइव करेंगे,
कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके पास में हमें डिराइव करने हैं, वैसे उनको भी याद भी रखना है, पर याद नहीं रखे भूल जाए तो कैसे किस तरीके से उसको करना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो अपन देखेंगे, कुछ नए फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है। ओके, अब देखो कुछ फॉर्मूले जो मैं थोड़े से चेंज कर लेता हूँ अपने पास में, ये कि जो हमें डिराइव करके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको उनको याद रखना है, याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो मैं डिराइव कर लेते हैं अपन कि कैसे अपने पास में देखना कैसे। कि अभी अपन ने जो फॉर्मूले देखे थे वो ये थे आपके पास में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेंगे सबसे पहले। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लिया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी लिया था, ये अपन ने फॉर्मूला लिया था। ओके, हम इसके साथ में इसका नाम फर्स्ट रखते थे, इसके साथ में हमने इसी का माइनस लिया, साइन ए माइनस बी लिया, तो वो कितना आ गया, वो हो गया साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी हो गया। ये हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये कट जाएगा ऐड करने से, तो कट गया तो क्या बचा, इधर तो बचा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बचा ऐड करने से, उधर क्या हो जाएगा, उधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू साइन ए कॉस बी, ये ऐड हो गया। तो देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, टू साइन ए कॉस बी का, क्या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी सेम। आप अगर इन दोनों को माइनस करते कैसे, इक्वेशन वन में से माइनस करते इक्वेशन टू को तो क्या होता, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस करते हैं तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो ये आता साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ये आता। ओके, उस साइड में क्या आता, उस साइड में ये आता आपके पास में कि ये दोनों वैल्यू तो आपके पास में ये दोनों कट जाती और ये दोनों बच जाती, ये साइन चेंज हो जाता, ये प्लस का हो, ये माइनस का हो जाता और ये प्लस का हो जाता, तो फॉर्मूला आ जाता आपका टू कॉस ए साइन बी का, ये टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक करना है, तो सब्ट्रैक करने से ये फॉर्मूला बन गया है और ऐड करने से ये फॉर्मूला बन गया। चलते हैं कॉस की तरफ कि कॉस में क्या करना है, कॉस में हमें ये करना है, सब वापिस हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ले लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ओके, और हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ले लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह हो गया प्लस साइन ए साइन बी, ये फर्स्ट हुई अपने सेकेंड। हमने वापस क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से ये कट गया, इधर कौन बचा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और उधर कौन बचा, उधर बचा आपका टू कॉस ए कॉस बी, तो ये टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। सेम हमने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दी इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट में से बेटा इक्वेशन सेकंड को अपन ने माइनस कर दी, तो माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो बेटा इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बचा। ओके, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये तो हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएंगे और ये बच जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ टू साइन ए साइन बी, माइनस और टू साइन ए साइन बी, अगर इस माइनस को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते थे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बचा कितना, बचा टू साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपके पास में बच गया हमारा ये फॉर्मूला। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके प्लस के फॉर्मूले से और माइनस के फॉर्मूले से निकलेंगे, और ये जब फॉर्मूले अपने को याद होंगे, फॉर्मूले को याद करें, एक कागज़ पर लिख ले हुए, और कागज़ जैसे अपने होमवर्क की कॉपी में तो क्लास वर्क की कॉपी में तो लिखना ही है, पर आप उसको ऐसे भी लिख ले हुए, और ऐसे लिखने के बाद आपके पास में आपको इसको अपने पास रखें, जब भी क्वेश्चन करें इनको देखें और याद करने की कोशिश करें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के ऊपर अपन एक्सरसाइज जो है आपकी नेक्स्ट जो आपके पास में एक्सरसाइज है 3.3, ओके, वो अपन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर यही फॉर्मूले यूज होंगे जो आज सारे अपन ने पढ़े हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।